का हिस्सा बनेंगे? जहां तक मैं जानता हूं, मैं दल का उपनेता हूं, मुझे अभी तक कोई भी निमंत्रण नहीं मिला। मेरी कई सहयोगी दलों से बात हुई है, उनको भी कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अब नेता विरोधी दल को निमंत्रण मिले और उसके बाद सहयोगी दल न जा रहे हो, न बुलाया जा रहा हो, तो क्या वो जाएंगे? ये निर्णय खुद नेता विरोधी दल लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कल जयराम रमेश जी की तरफ से ये कहा गया कि सरकार का इकबाल ही नहीं है, मैंडेट मोदी जी अपने नाम पर मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिला, इस सरकार का कोई इकबाल नहीं है, डेमोक्रेसी की बात नहीं है, विपक्षी दलों को इन्विटेशन नहीं मिल रहा है, तो आपने विदेश से राष्ट्राध्यक्ष बुलाए हैं, उनको इन्वाइट किया है, लेकिन विपक्ष को ही आप नहीं ले रहे हैं, डेमोक्रेसी की नहीं है, ये डेमोक्रेसी पे विश्वास है। बिल्कुल ठीक कहा है जयराम रमेश जी ने, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। लगता है मोदी जी की ज्यादा रुचि है कुछ विदेश से मेहमान आ जाए, इसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बना दो, जैसे वो इवेंट बनाने के बिना कोई काम नहीं करते, तो इंटरनेशनल इवेंट बनाने में उनकी रुचि ज्यादा है। मुझे बहुत सहयोगी दलों से बात हुई है, उनको तो किसी को आया नहीं है। मैं खुद विरोधी दल का उपनेता हूं, मुझे भी नहीं आया है। राज्यसभा में उपनेता हूं मैं कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, सोनिया गांधी कल उनको कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन बनाया गया, साथ ही साथ राहुल गांधी को नेता विपक्ष बने, इस बात का सीएम ने रेजोल्यूशन भी पास किया और सोनिया गांधी ने साफ कहा कि सरकार से हमने लड़ाई लड़नी है और जो अनडेमोक्रेटिक तरीके हैं उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, जनता के मुद्दों की बात। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अनुभव, इतने ममत्व, इतने अपनेपन के साथ वो सबको जानती है। उन्होंने संसदीय दल का नेता होना स्वीकार किया है। अब ये निर्णय उनको लेना है कि कौन नेता विरोधी दल बनेगा, लोकसभा में कौन पदाधिकारी होगा, ये अधिकार तो उन्हीं को है, ये अधिकार हमने दे रखा है पहली रेजोल्यूशन करके। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि राहुल गांधी जी का पांचवा टर्म, जिस तरह उन्होंने साहस निडरता के साथ इस सरकार की आलोचना की और जनता ने उसे सुना, तमाम तरह डराया धमकाया गया पर वो न झुके हैं, एक साहसी नेता के रूप में उभरे हैं, तो मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि राहुल गांधी लोकसभा। नरेंद्र मोदी I wouldn't term it historic moment simply because that though he is coming to power, he is coming with an underwhelming majority. Someone who on the floor of the house had said he would get more than 400 seats and BJP in itself would get 370 seats is a man who has been morally defeated and politically defeated. But having said that, I wish him all the very best, and I hope in this term he would take people along, he would continue to work, I would want him to work for the people rather than continuing to be the dictatorial behavior that we had seen in his earlier two terms. And I wish progress and development of the country deserves the kind of growth that is needed under a new leadership. Sonia Gandhi said that PM Modi suffered a political and moral. Absolutely. Like I said in my earlier comment, it is a defeat of a prime minister who was overconfident, who had become arrogant. All his ministers had become arrogant. They started to believe that they're not accountable. And we must remember, this election wasn't just fought by political parties in the BJP and NDA allies. It was fought along with their important political tools like Enforcement Directorate, Income Tax, CBI, Election Commission of India, and various other agencies, the media, and various other agencies that were supposed to perform democratically, constitutionally, compromised. So the political toolkit that was used by the Bharatiya Janata Party today stands defeated. Sonia Gandhi re-elected as chairperson of Congress Parliamentary. I wish her all the very best. She has continued to guide the party from seeing lows to the highs that they have seen in this particular election. I wish her all the very best, and I continue to hope that as opposition we will hold the government accountable every single time that they go against the mandate given to them or against the will of the people of this country. Mamata Banerjee said that she has not attended swearing ceremony today, and even Jairam Ramesh, Congress leader, said we haven't received any invitation. If we receive, we will think of it. Yes, so I think the Congress has just declared that Mallikarjun Kharge ji would be attending the swearing-in ceremony,
And yes, the invitations have come too late, have come grudgingly, and I can totally understand a man who was so full of ego and so full of arrogance for having to take opposition along now, including now even his NDA allies, because BJP in itself is not the single largest party, is the single largest party but has not attained simple majority. So having said that, I'm hoping that post this oath taking is just ceremonial. It is what he does and how he works under a new constituted parliament would be interesting to watch.